चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। एक्शन स्टार विशाल सिंह की अपकमिंग भोजपुरी फिल्म गदर 2 आखिरकार सेंसर बोर्ड ने इसे फिल्म को पास कर दिया है और फिल्म को 2 मार्च से बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि फिल्म गदर 2 का एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दिया गया है। जी हां, बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में 2 मार्च से गदर 2 का एडवांस बुकिंग अभी से ही जोर शोर से चालू हो चुकी है। आपको बता दें कि फिल्म गदर 2 में विशाल सिंह का एक्शन अवतार भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि फिल्म गदर 1 2016 की सबसे सफल फिल्म रही थी। गदर में पवन सिंह का एक्शन अवतार भोजपुरी दर्शकों को देखने को मिले था और गदर ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बनाया था। अब इसी कड़ी को देखकर रमाकांत ने गदर 2 का निर्माण किया है, लेकिन हालांकि इस फिल्म में पवन सिंह को जगह नहीं मिली है और पवन सिंह की जगह विशाल सिंह और प्रमोद प्रेमी ने लिया है। अब देखना यह है कि गदर 2 भी गदर की तरह ही क्या भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाती है या नहीं। फिल्म के मुख्य कलाकारों में बात करें तो विशाल सिंह के अलावा प्रमोद प्रेमी, भोजपुरी सनी लियोनी, निशा दुबे जैसे बड़े कलाकार फिल्म में नजर आने वाले हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म गदर 2 का एडवांस बुकिंग भी करीब करीब 10 से 15 लाख का हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिल्म वाकई में ही काबिले तारीफ होगी। हालांकि 2 मार्च को गदर के सामने निरहुआ की सौगंध भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है। अब देखना यह है कि दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारती है, या तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन दोनों फिल्मों का माहौल भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त गरमाया हुआ है। We'll be right back.